फाइंड द स्मॉलेस्ट पेयर ऑफ फोर डिजिट नंबर हुज डिफरेंस बिटवीन देम इज 303 एंड एससीएफ इन 101। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो बड़ा नंबर है मैं उसको एक्स ले लेता हूँ और स्मॉल नंबर को वाई, तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं 303, क्योंकि हमें डिफरेंस दिया हुआ है 303 दोनों के बीच का। और एक्स को मैं लिखता हूँ 101 इंटू ए और वाई को लिखता हूँ 101 इंटू बी। ओके, मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि एससीएफ दिया है 101, इस चलते इसको लिखे 101 इंटू ए 101 इंटू बी, क्योंकि फैक्टर है यार दोनों में कॉमन फैक्टर है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो 101 तो रहेगा और ए है जो मल्टीपल है ए और बी। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इस इक्वेशन में, एक्स वैल्यू का इसमें डालता हूँ एक्स वाई का वैल्यू, तो 101 ए माइनस 101 बी इक्वल टू 303। यहाँ से कॉमन हो जाएगा 101 ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 303। फ्रॉम वेयर यू कैन राइट ए माइनस बी इक्वल टू 3 माइनस 3 इक्वल टू बी। ओके, ये लिख सकते हैं यहाँ से। अब देखिएगा यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर को देखिए 101 बी। ओके, ये हमारा जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर है, तो बी क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए स्मॉलेस्ट के लिए। तो अगर आप बी का वैल्यू 1, 2 अप टू 9 रखोगे तो ये डिजिट रह जाएगा 3 डिजिट नंबर, लेकिन हमसे बोला है 4 डिजिट नंबर, तो जो है बी ग्रेटर देन होना चाहिए 9। मतलब जो बी का हम जो पहला वैल्यू लेंगे यार लेंगे 10, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये 101 इंटू 10, यहाँ से करोगे तो 101 जीरो आ जाएगा और बी बी आया है 10। ओके, तो ए कितना हो जाएगा यार, ए माइनस 3 इजक्ल टू 10, ए इजक्ल कितना हो जाएगा यार 13। ओके, तो ए को 13 आप रखोगे यहाँ पे तो जो आपका आंसर मिलेगा 101 इंटू 13, तो जो आंसर आपको मिलेगा यहाँ से 1313 शायद यही आता है, चेक कर सकते हैं। तो जो हमारा नंबर है, एक नंबर हो गया हमारा 1001 1010 और एक नंबर हो गया 1313। ये देखिए ये हमारे दो आंसर होंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट पूछा है हमें, तो आप डिफरेंस निकालो 303 आएगा। तो ऐसे बनाएंगे इस सवाल को।